मध्य प्रदेश में अन्नोत्सव का आयोजन 12 से 14 जून तक किया जाएगा। रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अन्नोत्सव के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकानों से कम 25% खाद्यान्न वितरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में जून माह के आवंटन अनुसार 100% भंडारण सुनिश्चित कराए जाए। देखिए एक खास रिपोर्ट लेकर के जो फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी जो अपने खाद्यान्न आवंटन की दुकानें हैं उन तक जो खाद्यान्न पहुंचना था वो अपने जिले में लगभग 80% से अधिक खाद्यान्न दुकानों पर 80% से अधिक आवंटन पहुँच चुका है। जो अन्न उत्सव है उसका उद्देश्य ये है कि एक समारोह पूर्वक खाद्यान्न आवंटन का काम किया जाए जिससे कि न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी रहती है, पारदर्शिता के कारण जो छोटी छोटी शिकायतें आती हैं कि कहीं खाद्यान्न मात्रा से कम चला गया या कम दिया या नहीं दिया, दुकान नहीं खुली, इस तरीके की चीज़ें भी क्लियर होती हैं। तो जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके उपस्थिति में खाद्यान्न वितरण के लिए अनुत्सव किए जाने के निर्देश हैं। उसके लिए फूड विभाग की कार्रवाई पूरी हो गई है और हर महीने की भांति इस बार भी अनुत्सव भली प्रकार से होगा। ये विशेष ही एक दिन का ये रखा जाता है, उसका उद्देश्य ये रहता है कि विशेष तरीके से जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपस्थिति रहे, जो स्थानीय टीम्स रहती हैं उनकी उपस्थिति रहे और एक साथ में अधिक से अधिक हितग्राहियों को उस दिन खाद्यान्न आवंटन किया जा सके।